खेतिया के समीप ग्राम निसरपुर में श्री कृष्ण गौशाला में बीते 5 दिनों से भागवत कथा का पाठ चल रहा है, जहां पर बड़ी संख्या में श्रद्धालु आ रहे हैं। श्री कृष्ण गौशाला प्रमुख संत श्री संतोष चैतन्य बापू ने कहा है कि प्रतिवर्ष अनुसार इस वर्ष भी गौशाला में भागवत कथा का आयोजन किया गया है, जो कि आज जन्माष्टमी त्यौहार है और कथा के अनुरूप आज श्री कृष्ण जन्मोत्सव का कार्यक्रम किया गया। बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं की उपस्थिति में भगवान श्री कृष्ण को 56 भोग का भोग लगाकर भंडारा प्रसादी का आयोजन किया गया और पूरे भारत में भगवान श्री कृष्ण जन्म उत्सव मनाया गया, जहां पर जगह जगह मंदिरों में साज सज्जा की गई। वहीं पर खेतिया नगर में राम मंदिर में भी श्री कृष्ण जन्म उत्सव मनाया गया और निसरपुर गौशाला में मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र एवं गुजरात से भक्त आज अष्टमी पर विशेष रूप से पधारे थे। आज श्री कृष्ण गौशाला के अंदर जो मेरी भागवत कथा चल रही है, आज कृष्ण गोकुलाष्टम, आज करने वाले भाई जो भगवान का जन्म हुआ था, आज हमने कथा के अंदर भी भगवान का उत्सव मनाया, बहुत धूमधाम से मनाया। सभी दूर दूर से गांव से सभी भक्त लोग आए हैं और भगवान के कार्य में आनंद ही आनंद। और गौशाला के अंदर हमारे बापूजी की समाधि के ऊपर हमने एक कथा रखी हमारे ग्रामस्थवासी निसरपुर के तरफ से, मैं उनको खूब खूब धन्यवाद देता हूँ। और सभी लोग दूर दूर से आए, मैं उनको आशीर्वाद देता हूँ कि मेरी जो पहली कथा है, मैं सबको आशीर्वाद देता हूँ कि तुम्हारे जीवन में सुख शांति बने रहे। और जो मीडिया चैनल वाले को मैं खूब खूब आशीर्वाद देता हूँ, ऐसे प्रचार करते रहो। जय सियाराम। वॉइस ऑफ राइट्स के लिए खेतिया से जयेश पटेल की रिपोर्ट।